जय हिंद दोस्तों, कटअप 88 में आपका स्वागत है। तो हम लोग इससे पहले दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं टेस्ट सीरीज का, जो कि प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज हम लोग चला रहे हैं। तो आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। और ये तीसरा टेस्ट सीरीज है जिसमें हम जितने भी क्वेश्चन हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस हो गया, करेंट अफेयर, सब सारे क्वेश्चन का हम डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं। तो अभी आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लाइक कर दीजिए। तो बिना किसी देरी का चलिए आगे हम बढ़ते हैं और जल्दी से एक टेस्ट लगा लेते हैं, जो कि टेस्ट नंबर 3 है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो वो कितने होने चाहिए, वो 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर लोकसभा का सदस्य पूछे तो वो कितने होने चाहिए, 25 वर्ष। अगर राज्यसभा का पूछे तो वो कितने होना चाहिए, 30 वर्ष। उसके बाद हम 2 नंबर में चलते हैं। हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, ये है मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो चलिए अब 3 नंबर में चलते हैं। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है, ये कहाँ में जाके मिलती है, ये देवप्रयाग में जाके मिलती है। मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है, मयूरभंज खाने जो है ना, ये लो अयस्क के लिए जानी जाती है। उसके बाद है श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से अधिक उत्पादन से संबंधित है, किसके उत्पादन से संबंधित है, ये दूध उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद है निम्नलिखित में युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या है। युधिष्ठिर का अर्थ होता है क्या, युद्ध में अस्थिर। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, युद्ध प्लस अस्थिर। तो ये कौन सा संधि है, गुण संधि है। तो याद रखिए आप लोग। तो संधि सबसे पहले हम जान लेते हैं संधि कितने प्रकार के होते हैं, वो 3 होते हैं। कौन कौन वो होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 प्रकार के होते हैं। और इनमें से स्वर संधि के कितने भाग होते हैं, 5 भाग होते हैं। कितने, 5। उन्हीं में से एक ये है गुण संधि का भाग। किसका भाग है, गुण संधि का भाग है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये 5 संधि कौन कौन होते हैं, दीर्घ संधि होते हैं, गुण संधि होते हैं, वृद्धि संधि होते हैं, यन संधि होते हैं और आयादि संधि होते हैं। तो संधि में इतने होता है, ठीक ना। अब साथ में देखते हैं मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है। तो किस राज्य में लोकप्रिय है, यह है बिहार राज्य में। प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कहलाती है, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है लिंगानुपात। 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा किस टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी, ये कहाँ की गई थी, साक्ची नामक स्थान है झारखंड में, वहाँ पे ये किया गया था। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है जादव पायेंग को। बिहार राज्य विधानमंडल में पराकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, वो कितने वर्ष का होता है, 1 वर्ष का होता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे है 12 में, हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। तो हड़प्पा के निवासी किसके साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, मेसोपोटामिया के साथ। टमाटर का लाल रंग होता है किसके कारण से होता है, लाइकोपिन नामक पदार्थ के कारण से टमाटर का रंग लाल होता है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, हाजीपुर। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, यह है दूरी की, वो भी सबसे लंबी दूरी, जो कि 2 खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी जो हम आपते मेजर करते हैं उसी में हम प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। ये 16 में मैथ का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसको अगर हम ए मानेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये पूरे को हम बी मानेंगे, ये इसको बी मानेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर। तो आप लोग को ये फॉर्मूला याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है बराबर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसी के माध्यम से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 0.1 में से 0.01 को घटाएंगे तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपको 0.09। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, उसके बाद एक बार जोड़ेंगे तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.11। नीचे में है 0.0001 और इधर लास्ट में यहाँ पर प्लस का 2 रखा है, दे रखा है, इतना कर लेंगे। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक, यहाँ पे 2 अंक, तो 4 अंक हो गए, नीचे में भी 4 अंक है, यानी दशमलव का कोई मतलब नहीं रहा, काहे कि ऊपर नीचे बराबर है। तो यहाँ पे 9 गुना 11 हो गया 99, नीचे में 1, तो 99/1 कितना हो गया, 99, और ये प्लस 2 कितना हो जाएगा, 101।
17 में देखते हैं हम लोग मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियाँ होती है। तो मनुष्य के कंकाल में कितनी अस्थियाँ होती हैं? 206। 18 में है, निम्नलिखित में से चीर का विलोम शब्द है। चीर का क्या होता है विलोम शब्द? नवीन। चीर का अर्थ होता है बहुत पुराना वस्तु, उसका विलोम उल्टा हो जाएगा नवीन। सूखी बर्फ है, सूखी बर्फ क्या है? ये होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ठोस CO2 गैस को हम क्या बोलते हैं? ये सूखी बर्फ बोलते हैं। 20 में है क्या है, इंग्लिश में है, क्या बोल रहा है कि ही इज अनेबल टू रीड एंड राइट, ऐसा व्यक्ति जो न तो क्या बोल सकता है, पढ़ सकता है न ही लिख सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इलिटरेट, ILLITERATE। 21 में, विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। अब 22 में चलते हैं, 22 में क्या बोला है कि पिक आउट द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड, यानी जो जिसका मीनिंग गलत नहीं है। तो इनमें से ए ऑप्शन है इमीडिएटली, IMEDIATELY, इमीडिएटली अर्थ होता है तुरंत, फास्ट, तो ये मीनिंग इसका सही है। 23 में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? तो कमल का पर्यायवाची क्या होता है? अरविंद। क्या होता है? अरविंद। जलद का अर्थ होता है जो जल में जन्म लेता है। तो आगे वाला वही क्वेश्चन है, जलज का शब्द का अर्थ क्या होता है? जलज शब्द का अर्थ होता है, तो ये क्या होता है? जल में जन्म लेने वाला। 25 में फिर मैथ का क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएंगे तो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, ये वाला पार्ट को पहले, नीचे वाला को उठाएंगे। तो एक में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो यहाँ हम 3/2 होगा। आप लोग लघुत्तम लेके यहाँ से एक मान के बना लीजिएगा, 3/2 निकलेगा। जब ये पूरे का मान 3/2 आ गया तो इसको हटा के हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं? पूरे की जगह पे 3/2, इसको अब नहीं देखना है। 3/2 इसके नीचे में आ गया तो 2 ऊपर पलट जाएगा, नीचे में आ जाएगा 3। अब फिर एक में ये पूरे पार्ट को ले लेना है तो 1+2/3 कर देना है। जब इसको एलसीएम लेंगे तो 3 का उत्तम 3 हो जाएगा, 3 एक का ऊपर में हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, तो 5/3 आ गया। तो ये पूरे के बदले में अब क्या लिखेंगे? 5/3। अब फिर ये ऊपर से पलट जाएगा यहाँ पे, तो ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 5, तो एक में अब क्या जोड़ेंगे? 3/5। तो 5 × 5 = 3, 8/ कितना हो जाएगा? 5। तो कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। इस तरह से नीचे से स्टार्ट करना है। 26 में है, शक्ति पावर का मात्रक है, तो ये किसका मात्रक है? इसका मात्रक क्या होता है? वाट होता है। 27 में है, एंडोस्टियम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? हड्डियों के आंतरिक भाग में एंडोस्टियम पाया जाता है। 28 में है, ये बोला है कि 70,000 रुपये के स्टॉक से 2% की दर पर आय होगी, तो इसका 2% निकालना है, 70,000 का 2%। प्रतिशत को हटाएंगे नीचे में कितना आएगा? 100, तो यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, यानी यहाँ बच गया 700 × 2, कितना हो जाएगा? 1400। बोला कि दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है, तो किस जिला का भाग है? ये है पश्चिम बंगाल का। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या है, तो विधान परिषद का जो सदस्य का कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। अब देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, तो अनुच्छेद 19 में 5 प्रकार के स्वतंत्रता आता है, ठीक ना, उनमें से एक स्वतंत्रता ये व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार, ये 19 में नहीं है, और बाकी तीनों आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, वो तीनों उसमें दिया हुआ है। तो ये कौन सा आर्टिकल में है? ये 21 का आर्टिकल में है, 21। अब 32 में देखते हैं, घरों पानी पड़ना का अर्थ क्या होता है? मुहावरा बताना है। इसका अर्थ होता है कि लज्जित हो जाना, क्या होना? लज्जित होना। 33 में है, जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? तो जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? राजा सवाई जयसिंह। कौन था? राजा सवाई जयसिंह। उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है? उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है? पतन। अब 35 में चलते हैं हम लोग, तो यहाँ बोला है कि किताब उल हिंद बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, इनके लेखक कौन है? अल बरूनी। 36 में है, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से प्रारंभिक नारा क्या था? तो जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे भारत में तो उनका नारा क्या था? भूभाग नहीं व्यापार, यानी उसको भूभाग उस टाइम नहीं चाहिए, सिर्फ वो व्यापार करना चाहता था।
और बोल रहा है कि 37 में बल्ब का फिलामेंट, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है, वो टंगस्टन धातु का बना होता है। अगर वो हीटर का अगर पूछता तार किस धातु का बना होता है, तब वो क्या होता है, नाइक्रोम होता है। अगर हीटर का पूछता तब, ये बल्ब का पूछ रहा है फिलामेंट, तो क्या हो जाएगा, टंगस्टन। तो यहाँ पे बोल रहा है 38 में नाभिक की खोज किसने की थी, नाभिक की खोज किसने की थी, हेनरी रदरफोर्ड ने। उसके बाद है कि भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना था, तो आप लोगों को पता होगा आंध्र प्रदेश प्रथम राज्य था वो। 40 में है एक संख्या के वर्ग, मान लेते हैं वो संख्या है एक्स, वो संख्या क्या है एक्स, बोल रहा है उसका वर्ग यानी उसका स्क्वायर कर देना है, में कितना जोड़ा जाता है, 22 का स्क्वायर जोड़ा जाता है। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे। उत्तर क्या आता है, उत्तर आता है 23। तो संख्या यानी एक्स का मान बताना है, किसका मान बताना है, एक्स का मान। उसके बाद देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर लिखेंगे, 22 का स्क्वायर जब आप लोग कीजिएगा तो ये होगा 484, 484 बराबर हो जाएगा 2333 जो ऊपर में लिखा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर बराबर ऊपर में यहाँ से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ 484 घटाएंगे 2333 में, तो ये कितना हो जाएगा, यानी 13 में से 4 गया 9, फिर 12 में 60 गया 4, 12 में 60 गया 4, और फिर यहाँ 12 में 60 गया 4 जाएगा, तो फिर यहाँ 8, और यहाँ बच गया 2 में से 1 ले लिया तो बच गया 1, यानी 1849। तो 1849 एक्स स्क्वायर का मान है 1849, तो एक्स का मान क्या होगा, तो इसका क्या निकालना हमको, रूट निकालना है। इसका क्या निकालना है, रूट। तो रूट निकालना है तो कितना हो जाएगा, तो देखते हैं, तो देखिए 3 तो यहाँ होगा नहीं, कहा कि 4 चौका 16, तो मिनिमम 4 चाहिए, तो एक ही ऑप्शन में है 4 डी में, तो 43 हो जाएगा। 33 तो होगा नहीं क्योंकि 3 3 9 होता है, 4 चौका 16 होता है, 5 ये कैसे हम फाइंड करते हैं, तो 18 संख्या जो है ना ये 4 का स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए, और देखिए 5 के स्क्वायर से क्या है, ये छोटा है, 5 के स्क्वायर से छोटा है, यानी 4 और 5 के बीच में होगा, तो इसीलिए 40 से ऊपर होगा, तो 40 से ऊपर एक ही ऑप्शन में है 43। 41 में देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग क्या मूल आएगा, तो यहाँ पे बताना क्या होगा, तो देखिए यहाँ 7500 भागा 42, तो जैसा बोल रहा है 7500 भागा करना है कितने से, 42 से, यानी बट्टे 42 गुना 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, ठीक है ना, ये हो जाता है। अब देखिए इसको कैसे करना है, तो हम लोग यहाँ तो सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे यहाँ सच्चा की 42 6 बार 7 बार में करते हैं, ऊपर से हो जाएगा 1000, 7 × 7 यानी 1000, 7000 तो 1000 हो जाएगा, यहाँ बच गया 6, 3 × 2 = 6, यहाँ हो जाएगा 500 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा ये कट जाएगा, लगभग मान आएगा, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ऐसे हम कर सकते हैं, या तो नहीं काटेंगे तो यहाँ 6 रहने देते हैं, नीचे में 6 हो गया, ऊपर में कितना हो गया, 1000 × 169, ये हो जाएगा 169, और उसके बाद कितना जीरो है, 3 जीरो। अब ऐसा हम क्यों किए, भाग देने में आसानी होगा, तो देखिए अब भाग देते हैं, 6 × 2 = 12, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, बच गया 4 49 4, और उसके बाद 9 है, तो 49 में 6 से लगाएंगे, 6 × 8 = 48, बच गया 1, आगे 0 है तो 0, 6 × 5 = 6, तो यहाँ से ऑप्शन देखते हैं हम लोग कौन आ रहा है, तो लगभग ऑप्शन इसका आएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो आप लोग सॉल्व करके एक बार फिर से देख लीजिए, इसका लगभग ऑप्शन बताना है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, ये है औरंगाबाद में। भूकंप की प्रबलता मापी जाती है, किसमें मापी जाती है, वो रिएक्टर मापनी द्वारा। 9 डिग्री चैनल स्थित है, ये कहाँ स्थित है, लक्षद्वीप में। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या था, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो इसका थीम क्या था, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। 46 में है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया, तो ये कौन सा देश के साथ किया, नेपाल के साथ।
47 देखते हैं, करंट का है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रो टाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया, ये बनाया गया है सेलेस्टो सोलो को, सेलेस्टे सोलो को। उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, तो आप लोगों को पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार से थे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 49 में है एक सेकेंड, में सिकंदर लोधी ने बिहार का अभियान किस वर्ष किया था, 1504 ईस्वी में बिहार का अभियान किया था। बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है, ये अवस्थित है पावापुरी में। एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है, तो एक नैनोमीटर बराबर होता है 10^-9 मीटर, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम सेंटीमीटर में बदलते हैं इसको। मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 से गुना करते हैं, 100 का मतलब होता है 10^2। अब गुना किए तो यहाँ प्लस का पावर 2 है, यहाँ माइनस का 9 है, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस का 7, तो माइनस का 7 यानी 10^-7 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। 52 में है नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है, तो नरोरा कहाँ है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश। मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच, मैकमोहन किसके बीच है, भारत और क्या बोलते हैं नेपाल, सॉरी चीन के बीच में है, किसके बीच में है, भारत और चीन के बीच में है। अगर रेड क्लिप पूछता तब किसके बीच में होता है, वो होता भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगर डुरंड पूछता तब किसके बीच में होता है, तब होता है वो अफगानिस्तान के बीच में होता है। और पाक जल डमरू किसके बीच में है, श्रीलंका और भारत के बीच में। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, तो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, यह है जम्मू कश्मीर। 55 में है सिरके का पीएच लगभग होता है, तो सिरके का पीएच होता है कितना, 7 से कम, यानी 2.4 होता है सिरके का पीएच, तो 2.7 कोई किसी ऑप्शन में नहीं है, तो हम ऑप्शन बी को मारेंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या होती है, तो कितने समस्थानिक होते हैं, 3 होते हैं। देखिए यहाँ पर पिच ब्लेंड किसका अयस्क है, तो ये किसका अयस्क है, ये है यूरेनियम का अयस्क है। और आयरन का क्या होता है, हेमाटाइट मैग्नेटाइट सीडेराइट होता है। एल्युमिनियम का क्या होता है, बॉक्साइड क्रोमडम क्रायोलाइट होता है। तो ये सब अयस्क आप लोग याद रखिएगा, कोई भी पूछ सकता है। यहाँ पे एक मैथ का क्वेश्चन है औसत से, क्या बोल रहा है कि सोमवार मंगलवार और बुधवार, यानी सोम मंगल और बुध का औसत तापमान दे रखा है, तो औसत तापमान कितना दे रखा है, 40 डिग्री। तो यहाँ हम लिखते हैं एम फोर मंडे, टी फोर ट्यूजडे यानी मंगलवार, और उसके बाद वेडनेसडे डब्ल्यू का औसत तापमान, औसत मतलब जितना होता है उसका 3 से भाग देना है, ये कितना दे रखा है, 40। तो तीनों सोमवार मंगलवार और बुधवार का कुल कितना हो जाएगा, तो ये तीन को यहाँ इधर ले जाएंगे, तो एम प्लस टी प्लस डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 40 गुना 3, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो तीन दिन का कुल तापमान हो जाएगा 120। उसके बाद जस्ट क्या बोला है, मंगलवार बुधवार और गुरुवार, यानी मंगलवार बुधवार और गुरुवार, टी एच लिखते हैं थर्सडे, तो उसका औसत तापमान कितना है, 41। तो कुल हो जाएगा 3 से इसमें भी गुना करना पड़ेगा, 3 × 3 = 4 / 12 123, कितना हो जाएगा, 123 दिन। उसके बाद क्या बोला, तो यहाँ से देखिए दोनों को हम क्या करते हैं, घटाते हैं, जब दोनों ये समीकरण मान लेंगे दो, तो नीचे वाला को ऊपर में से घटाएंगे, तो ऊपर घटाएंगे तो ये सब माइनस में लग जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये टी से टी कट जाएगा, डब्लू से डब्लू कट जाएगा, टी से टी कट जाएगा, उसके बाद डब्लू से डब्लू कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे थर्सडे, थर्सडे माइनस, उसके बाद थर्सडे माइनस, और उसके बाद मंडे, थर्सडे माइनस माइनस मंडे, ये कितना बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। यानी बृहस्पतिवार और मंगल सोमवार का अंतर हमको निकल गया 3। आगे सॉल्व करते हैं,
यानी बृहस्पतिवार माइनस सोमवार, इसका अंतर कितना निकल गया? 3। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यदि गुरुवार यानी बृहस्पतिवार का तापमान 42 डिग्री है तो इसका मान है 42, बृहस्पति मान का 42 है, तो सोमवार का कितना होगा? तो 42 माइनस सोमवार ये किसके बराबर है? 3। तो ये 3 को इस साइड ले आएंगे, सोमवार को इस साइड भेज देंगे, तो 3 को इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो 42 में से 3 जाएगा कितना बचेगा? 39। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अक्षर को कौन सा समूह खाली स्थानों को क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला पूरी करेगा? तो देखिए यहाँ पे ओपी है, इसको कैसे भरना है? ओपी है, यहाँ ओपी से पहले क्या है? एम है, तो इसके पीछे एम आ जाएगा, तो एम ओ पी, पी के बाद यहाँ पे देखिए एन, यहाँ पे एक शब्द दिख रहा है एन, तो यहाँ पर आ जाएगा एन, तो एक शब्द यहाँ से मिल रहा है एम ओ पी एन, फिर एम ओ पी एन, फिर यहाँ पे दो घर है एम ओ पी एन, एम ओ पी एन, इस तरह से हो रहा है। तो ऑप्शन क्या क्या भरे? एम भरे, एन भरे, पी, तो किस में आ रहा है? ऑप्शन ए में आ रहा है, इस तरह से भरना है। तो चार का सीरीज बन रहा है, एम ओ पी एन, एम ओ पी एन, एम ओ पी एन, एम ओ पी एन, तो चार चार का सीरीज बना, इसी तरह से पांच का भी बन सकता है, दो का भी बन सकता है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर इनकी पुस्तक के लेखक कौन है? अब्दुल कलाम। कौन है? अब्दुल कलाम। तो ऑप्शन से नहीं घबराएगा, ये है अबुल कलाम आज़ाद है, ये अब्दुल कलाम, तो अब्दुल कलाम जो अभी इनके लेखक विंग्स ऑफ फायर के लेखक है। एकसठ में देखते हैं हम लोग, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा क्या है? जापान उसकी राजधानी है टोक्यो, और ये मुद्रा है इसकी येन। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? वो कितने पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जाना जाता है सुंदर वन के नाम से है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए मिस्र की राजधानी है काहिरा, केनिया की राजधानी है नैरोबी, सूडान की राजधानी है खार्तूम, दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी होता है प्रीटोरिया, प्रीटोरिया, जो कि ये गलत है, इसका जोहान्सबर्ग सिटी है, तो ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी। 65 में है, अस्पृश्यता के अंत संबंधी उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अस्पृश्यता का अंत किस में है? आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17 में है। बोला है कि क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हरे पत्ते में जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसमें कौन सा तत्व रहता है? उसमें कौन सा रहता है? मैग्नीशियम रहता है, Mg, जिसका परमाणु संख्या होता है 12। भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्लेस का सिद्धांत नीति लाया था? ये कौन था? लॉर्ड डलहौजी, यानी जिस शासक के अपने पुत्र या कोई उसके आगे मतलब उसके पीढ़ी नहीं होते थे, उस राज को ये क्या करते थे? हड़प लेते थे और अपने क्षेत्र में मिला लेते थे। वनस्पति घी के निर्माण में क्या प्रयोग किया जाता है? तो क्या प्रयोग किया जाता है? यह प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन। सोल्डर, सोल्डर मिश्रण है किसका मिश्रण है? एक होता है लेड पीवी का और एक होता है टीन SN का, तो दो चीज़ कहाँ है देखिए, तो टीन और शीशा, शीशा को ही लेड बोलते हैं, तो शीशा और टीन हो जाएगा ये। और ये तांबा, और ये तांबा और जस्ता किसका होता है? ये होता है पीतल का, ये किसका होता है? पीतल का ये होता है मिक्सर, कॉपर तथा जिंक का। देखिए यहाँ 70 में बोल रहा है, रक्त समूह AB समूह सार्वभौमिक प्राप्त करता है, यानी ये सब ग्रुप से ब्लड ले सकता है AB समूह, क्यों? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी की कमी होती है, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता जिसके कारण से ये किसी भी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति इसको ब्लड दे, रक्त दे सकता है। कौन सी गैस हंसाने वाली गैस है? तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी गैस है? नाइट्रस ऑक्साइड, यानी N2O, नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं इसको। यह बोल रहा है कि माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी, तो माँ के दूध में जो पाया जाने वाला प्रतिरक्षी होता है उसका नाम क्या है? IgA। शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता कहलाती है, तो क्या कहलाता है? लाइकेन, ये लाइकेन कहलाता है। 73 हो गया, आप 74 में चलते हैं।
ब्रेड बनाने में डैश का उपयोग किया जाता है। तो ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो ये क्या जाता है, सेक्रोमाइसिस सेरेविसी का, सेक्रोमाइसिस सेरेविसी का, ये याद रखिएगा आप लोग। 75 में है, वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन करने के रूप में करते हैं, तो वो उस शैवाल को क्या बोलते हैं, क्लोरेला। बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक कौन था, तो बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता था करम शाह, कौन सा, करम शाह। चीन, उसके बाद है चीन की राष्ट्रीय है, चीन की सॉरी एक सेकेंड चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो वो क्या है, मंदारिन है। तो याद रखिएगा दुनिया में दूसरी सबसे बोली जाने वाली भाषा है मंदारिन, जो कि चीन की है। पहला भाषा कौन सा है, चीनी भाषा सबसे ज़्यादा अधिक बोला जाता है, दूसरा भाषा है मंदारिन, सॉरी पहला भाषा हो गया इंग्लिश, उसके बाद मंदारिन। तेलीय कागज होता है, तो तेलीय कागज क्या होता है, जब उसको भिंगो देते हैं हम तेल में कागज को, तो पारभाषक होता है, यानी दिखाई भी देता है, कुछ कुछ नहीं भी दिखाई देता है, यानी अस्पष्ट दिखाई नहीं देता, यानी पारभाषक होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। पारदर्शक का मतलब होता है कि आर पार दिखाई देना, और पारदर्शक का होता है बिल्कुल नहीं दिखाई देना। जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है, तो जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी घट जाता है। बर्फ बड़ा सा टुकड़ा लेंगे तो उस जब इसमें लिक्विड बन जाएगा, पिघल जाएगा, तो ये कम हो जाएगा, इससे छोटा हो जाता है, तो इसलिए। अगर इसी को पूछता है अगर कि जब हम पानी को बर्फ बनाते हैं तो इसका आयतन क्या होगा, तो आयतन क्या हो जाता, बढ़ जाता, उल्टा करके पूछता तब। प्रकाश विद्युत यानी फोटो इलेक्ट्रिक सेल बदलता है, यानी सौर प्लेट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो प्रकाश विद्युत जो होता है ये किसको बदलता है, ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग 81 में, एक अम्लीय घोल का पीएच मान होता है, तो अम्लीय का पीएच मान होता है 7 से कम होता है अम्लीय का मान, 7 से ज़्यादा होता है क्षारीय, 7 से ज़्यादा क्या होता है, क्षारीय होता है। अगर न्यूट्रल रहता तो इसका मान कितना होता है, 7 होता है, जो कि शुद्ध पानी का होता है, शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है। निम्नलिखित में 82 में निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है, तो इनमें से देखिए कॉपर भी धातु है जिनकी परमाणु संख्या 29 होता है, Cu 29, और आयरन ये भी धातु है परमाणु संख्या 26 होता है, और मरकरी ये है Hg, इसकी परमाणु संख्या 80 होता है, और सल्फर ये जो कि अधातु है परमाणु संख्या 16, ये कौन से आवर्त में पाए जाते हैं, ये तीसरे आवर्त में पाए जाते हैं और 16वें समूह में पाए जाते हैं, और ये सल्फर को हम गंधक के रूप में जानते हैं, किसके रूप में, गंधक के रूप में। आगे देखते हैं 83 में, पांच जगत वर्गीकरण निम्न में से किसने दिया, तो पांच जगत का जो वर्गीकरण है तो ये दिया था 1969 में, कौन दिया था, विटीकर साहब ने। तो ये पांच जगत कौन सा है, ये पांच जगत है प्रोस्टिस्टा, क्लोरा, फंजाई और एनिमेलिया, इस तरह से पांच जगत हैं। और लिनियस ने दो जगत में रखा था, एक रखा था प्लांटी और दूसरा रखा था एनिमेलिया, सिर्फ वो दो जगत में रखा था, लेकिन ये इन्होंने पाँच जगत में इसको बाँटा था। चौरासी में चलते हैं, मुनेरा का सबसे बड़ा समूह कौन सा है, मुनेरा का सबसे बड़ा समूह क्या है, यह है साइनोबैक्टीरिया, क्या है, साइनोबैक्टीरिया। मनुष्य तथा अन्य स्थानियों में ग्रीवा कोशिकाएं की आदर्श संख्या होती है, ये कितनी होती है, ये होती है 9, कितने होती है 9। हड्डियों को परस्पर जोड़ने वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछता है, जब दो हड्डी को आपस में जोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्नायु बोलते हैं, लिंगामेंट, और जो अस्थि एवं पेशी को जोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंडरा बोलते हैं। तो ये दो क्वेश्चन याद रखिएगा, हड्डी को हड्डी से बोलते हैं स्नायु, हड्डी को अस्थि से बोलते हैं कंडरा। 87 में है, नीली हरी शैवाल को किस समूह में रखते हैं, तो नीली हरी शैवाल को हम किस में रखते हैं, ये मोनेरा ग्रुप में रखते हैं, यानी सॉरी ये ब्रायोफाइटा ग्रुप में रखते हैं,
एक बार देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से ये बी सी ऑप्शन होगा, आप लोग कन्फर्म हो जाएगा, गूगल करके सर्च कर लीजिएगा। मोनेरा ग्रुप में ही कौन सा रहता है, नीलहरि शैवाल रहता है, जिसमें इसमें केंद्र की कमी रहता है, विकसित नहीं रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं रहता है। तो इस तरह से ये तो है एक तरह का पशु है, लेकिन इसमें पशु का रूप है ये, लेकिन इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन होता है। 88 देखते हैं, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है। भारी जल का रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, DTO। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम, भारी जल बोलते हैं। 87-89 में है, फेफड़ों से हृदय में रुधिर लाने वाली वाहनियाँ क्या कहलाती है, यानी फेफड़ों से कहाँ लाना है, हार्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, देखिए धमनियाँ में हमेशा क्या बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन यहाँ फुसफुस धमनियाँ दे रखा है तो इसमें अशुद्ध बहेगा, लेकिन यहाँ फेफड़ा से जब हम हृदय में लाते हैं इसका मतलब शुद्ध रक्त की बात कर रहा है, तो अपवाद में आता है फुसफुस सिराएँ, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। 90 में है, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है, क्या उपयोग करता है, ग्लाइकोजन को। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो कौन था ये, वो था अल्बुकर्क जी, इन्होंने ही 1510 ईस्वी में गोवा को छीना था, किससे, यूसुफ आदिल शाह से, बीजापुर का सुल्तान था यूसुफ आदिल शाह, उन्हीं से ये गोवा छीना था 1510 ईस्वी में। ये प्रथम था, सॉरी हाँ, तो याद रखिएगा ये कौन था, ये अल्बुकर्क था। 92 में है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन था, तो ये पहला समाचार पत्र आप लोग याद रखिएगा कौन था, ये द बंगाल गजट, जिसकी स्थापना हुआ था 1780 ईस्वी में, कौन किया था ये याद रखिएगा, इस भी याद रखिएगा, पूछ लेता है कौन किया था, ये भी याद रखिएगा, जेम्स ऑक हिक्की नामक व्यक्ति ने, जेम्स हिक्की, ठीक है ना। और याद रखिएगा 1799 ईस्वी में वेलेजली समाचार पत्र को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, यानी समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसको बुलाया जाता है, वेलेजली को बुलाया जाता है। 1 पूछ सकता है कि भारतीय समाचार पत्र का जन्मदाता, भारतीय समाचार पत्र का जन्मदाता, तो ये कौन है, तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय है, ये याद रखिएगा। 93 में है, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपनी राजनीतिक गुरु माना था, तो किसको माना था, ये माना था मेजनी को, जो इटली के शासक थे, इन्होंने ही मतलब लाला लाजपत राय ने इसे अपना राजनीतिक गुरु माना था। और तो इनमें से यंग इंडिया के लेखक कौन है, लाला लाजपत राय। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से लेकर के 1918 तक, उसका तत्कालिक कारण क्या था, फर्डिनेंड, ऑस्ट्रिया का राजकुमार था फर्डिनेंड, उसकी हत्या कर दिया गया था, कहाँ, सेराजेवो में, ये याद रखना। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ था, किसके साथ था, प्रफुल्ल चाकी, इनमें एक कहानी था, वो मारना चाह रहा था वहाँ का जो गवर्नर जनरल था उसको, लेकिन वो गलती से वहाँ के लोकल वकील को मार, लोकल वकील थे उनके पत्नी और उसके साथ में उनकी बेटी थी, ये दोनों को मतलब गोली लग जाती है, यानी मार देते हैं, जिनके कारण से इनको आगे चल के फांसी मिल जाती है, लेकिन उनमें से एक भगत सिंह रहते वो तो फांसी चढ़ाते हैं, लेकिन इनको क्या बोलते हैं, ये खुदकुशी कर लेते हैं, ये अपने आप मर, मतलब जब पुलिस का दबाव इस पर पड़ता है ये भाग करके खुदकुशी कर लेते हैं। तिरहुत नहर का संबंध किस नदी से है, तो ये किस नदी से है, ये गंडक नदी से है, जो कि बिहार और यूपी का संयुक्त परियोजना है, बिहार और उत्तर प्रदेश का संयुक्त परियोजना है गंडक परियोजना, तिरहुत नहर का संबंध इसी नदी से है। कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वो कौन सा है, तो कालीमंतन किस द्वीप का अंग है, ये है बोर्निया द्वीप का, जो इंडोनेशिया के पूर्वी भाग में है, तो इंडोनेशिया का ही अधिकार क्षेत्र में आता है बोर्नियो द्वीप, कालीमंतन भी इसी द्वीप का अंश है।
विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा है? चीन है। और दूसरे स्थान पे कौन सा है? भारत है। उत्पादन की दृष्टि से भारत दूसरा स्थान पे है और चीन प्रथम स्थान पे है। और खपत की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान पे है। सबसे ज़्यादा चाय का उपयोग कौन करता है? भारत में ही करता है। और ये श्रीलंका और केन्या, यहाँ का जो मुख्य अर्थव्यवस्था है चाय उत्पादन ही है। 99 में है मिश्रित खेती हम किसे बोलेंगे? तो मिश्रित खेती हम किसको बोलते हैं? जब पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ होती है उसको हम मिश्रित खेती बोलते हैं। यानी पशु के पालन के लिए चारा बोना और फसल लगाना, इसको एक साथ हम करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? मिश्रित खेती बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, किस देश में सबसे पहले कागजी मुद्रा का प्रयोग किया गया था? तो आप लोग को पता होगा चीन में सबसे पहले कागजी मुद्रा का प्रयोग किया गया था, और इंडिया में 13वीं शताब्दी में कोई राजा थे उनके द्वारा प्रयोग किया गया था। तो आप लोग अगर यहाँ तक देख लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि हम अगला वीडियो बहुत जल्दी कल लेके आ जाएंगे। तो फिर मिलते हैं 4 नंबर के टेस्ट में। इस तरह से हम कंप्लीट 25 टेस्ट कराएंगे और पूरे एनालिसिस के साथ कराएंगे।